बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। ब्लॉग का आगाज कर रही हूँ जी। हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी पे, बच्चों को भेजने लगी हूँ स्कूल। जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक और इसको एंड तक वॉच जरूर करिएगा। जी 5-6 मिनट पे ने बस। जल्दी आओ, जल्दी लेट तो हाँ अभी आ जाओ, जाओ बैठो भूसा। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी मैं फाड़ लेनी है, ऐसे दिखाओ। इधर ही बताओ ना, इधर ही बताओ। अम्मी को भी पता चल जाए। इधर आओ। किसी बच्चे की सालगिरह थी इनकी क्लास में, तो सब बच्चों को केक मिला। तो मुझे ये था कि ये दिखाना चाह रहा है कि मैंने अपना लंच फिनिश करा। मुझे नहीं पता था कि आगे से कुछ और ही निकालने वाला है। खैर ये सब होने के बाद जी हमें ऑर्डर लगा जी कि मुझे पापड़ निकाल के दें, पापड़ फ्राई करके दें। मैंने कहा अच्छा जी करते हैं, ये भी काम करना ज़रूरी था। साथ में मैंने रखी हुई थी दाल और साथ में मैंने फटाफट से रोटियाँ भी बना ही ली थी। आज ना मेरे साथ 2 दफ़ा ट्रेजेडी हुई। एक दफ़ा जब मैं ये फ्राई कर रही थी तो तब मेरा हाथ जला, फिर दूसरी दफ़ा ना दोपहर को इनके बाबा से ना मैंने नान के साथ हलीम के साथ सॉरी नान मंगवाया। तो जब मैं नान को फ्राई करने लगी ना तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा नान जो है ना वो तवे के ऊपर रखा और तवे के ऊपर जो घी था वो निहायत किस्म का गर्म था। और मैंने अपनी एफिशिएंसी ये की ऊपर से कि अपने हाथ से ही ना उसको प्रेस करके तो उसको दबा दबा के ना तो क्रंची करने लगी थी, तो सारा घी जो था ना मेरे हाथ पे आ गया। मैं इस कदर रोई। मैं ना बहुत कम रोती हूँ जब इस तरह की चीज़ होती है मेरे साथ। हस्बैंड को खाना वगैरह देने के बाद मैं फ्री होके तो फिर नीचे चली गई थी। खैर ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आगे की जो रिकॉर्डिंग है ना वो बहुत कम है। हनीमत चलो उठो, वो मुझे प्लेट पकड़ाओ, वो मुझे प्लेट पकड़ाओ, मुझे प्लेट पकड़ाओ ना, मैं वॉश करूं उसको। चलो अम्मी का फोन भी वापस करो अम्मी को। नहीं अब बस करो, मेरा बेटा कब से देख रहे हो। रुहान अहमद के ना काम सारे अनोखे होते हैं, इसकी बातें हर चीज डिफरेंट ही होती है। ये इतना मुझे क्यूट लगता है ना, पता नहीं क्यों क्यूट लगता है, इसकी बातें ही बड़ी प्यारी लगती हैं। अल्लाह पाक बच्चों को नज़रबद से बचा के रखे और सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके पास औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाए, नेक और साले औलाद अता फरमाए, आमीन। ये मेरी दिल से दुआ है उन सब के लिए। क्यों आप तो इतने प्यारे लड़के हो, क्या ज़रूरत है लड़की बनने की। इधर आओ ज़रा, इधर तो आओ ना ज़रा, व्यूअर्स को तो दिखाओ ना आप कितने क्यूट लग रहे हो। ना मेरी जान ऐसे ही आ ना, आ जा ना, ना मेरा बेटा आ जा प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या था, हाँ ना आप अपने कार्टून ही देख रहे हो, शैरिश को भी। चलो बहना के आने का टाइम हो रहा है। हेलो बहना को ऐसे ही लेने जाओगे, बहना को अबू साथ ऐसे ही लेने जाओगे। नीक डा सोना लगता है, हर लिहाज में सोना लगता है मानू। मेरा बच्चा, ये क्या हो रहा है, थोड़े देर बदल रही है। शम्मो नहीं आती, आप इतने क्यूट लड़के हो, अल्लाह ताला ने आपको लड़का बनाया है। लगता है
आन चला गया था बहना को लेने के लिए, तो इतने में मैंने मैच लगाया था। जब मैंने मैच लगाया तो मुझे अंदाजा हो गया था कि इन्होंने आज भी नहीं जीतना। खैर, आप सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें, खुश रहा करें, हंसते और मुस्कुराते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।